भारत और पाकिस्तान के झगड़े के बीच इन दो टीमों ने दी बीसीसीआई और एसीसी को चेतावनी। एशिया कप 2023 से नाम ले सकते हैं वापस। क्रिकेट जगत के मिनी वर्ल्ड कप के नाम से मशहूर एशिया कप खेला जाना है, हालांकि अब इस टूर्नामेंट पर लगातार संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एशिया कप का आयोजन पाकिस्तान में होना था, लेकिन बीसीसीआई ने टीम इंडिया को भेजने से मना कर दिया है। लेकिन एक बड़ी खबर सामने आई है, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पाकिस्तान जाने से मना करने के बाद पीसीबी एशिया कप को यूएई में कराने का विचार कर रहा था, लेकिन सितंबर में गर्मी की वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड संयुक्त अरब अमीरात में मैच खेलने के लिए सहमत नहीं है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजम सेठी ने गुरुवार को अपने बयान में कहा, अगर भारत एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आता है तो पाकिस्तान सरकार भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के विश्व कप में भाग लेने का एकमात्र तरीका यही है कि उनके मैच तटस्थ देशों में आयोजित किए जाएं। इतना ही नहीं, सितंबर में होने वाले विश्व कप को लेकर पाकिस्तान के अध्यक्ष नजम सेठी ने एक बार फिर से हाइब्रिड मॉडल पर टूर्नामेंट की मेजबानी करने का प्रस्ताव वाली बात को दोहराया है। नजम सेठी ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी एशिया कप टूर्नामेंट के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि एक महाद्वीपीय टूर्नामेंट के दौरान तटस्थ स्थानों पर भारत की मेजबानी करेगा, जो वर्ल्ड कप 2023 से पहले होगा।